जय जगन्नाथ। स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल ऑल इज वेल में। दोस्तों लर्निंग एजुकेशन के इस चैनल में मैं उपस्थित हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं एक दिन बाद हम सब पूरे देशवासी अपना 73वां जो गणतंत्र दिवस है वो सेलिब्रेट करने वाले हैं, 73rd रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इस मौके पर पूरे देश में तरह तरह के जगहों में कैपिटल, स्टेट कैपिटल और नेशनल कैपिटल तरह तरह के जगहों में बहुत धूमधाम से हम इसका सेलिब्रेशन करते हैं और पूरे देश में एक उत्सव का माहौल रहता है। चाहे ये स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस, दोनों का ही अपने अपने विशेषताएं हैं। और इस मौके को हम सेलिब्रेट करने के लिए हमारा जो हमारा देश का प्राइड, हमारा देश का सम्मान, हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग को तरह तरह जगहों में इसका जो है हम ध्वजारोहण करते हैं और इस तरह तरह का जो रैली निकालते हैं या फिर कोई इवेंट्स अटेंड करते हैं, तो इस तरह का हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कई जगहों में ऐसा देखा गया है, एक व्यतिक्रम देखा गया है, एक डेविएशन देखा गया है कि लोगों को जो है 15 अगस्त और ये 26 जनवरी का जो फ्लैग हॉइस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग जो प्रोसेस है उसके बारे में लोग अनजान हैं, जाने अनजान में गलती हो जाती है। तो उसके बारे में हम आज कुछ जानकारी शेयर करेंगे। तो दोस्तों एक नेशनल फ्लैग जो राष्ट्र ध्वज होता है वो हर कोई देश का एक प्राइड होता है, एक नेशनल प्राइड होता है और इसका सम्मान जो है बहुत ही जरूरी होता है। एक जो सम्मान होता है विथ ट्रू ऑनर एंड डिग्निटी। तो ये दोस्तों इसका जो है जानकारी हमें हमेशा हो रहना चाहिए क्योंकि एक राष्ट्र के सम्मान से जुड़ा हुआ है। तो इसकी जानकारी जो है बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों को सही तरह से जानकारी होना चाहिए, कहीं जो हमारे राष्ट्रध्वज का अपमान ना हो जाए। और अपमान होगा तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है, इसको जानबूझकर कोई अगर इसका अपमान करता है तो कानून वो एक मुजरिम है। तो दोस्तों आइए जानते हैं जो फ्लैग हॉइस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग जो प्रोसेस होता है हमारा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है, किस तरह हम फ्लैग हॉइस्टिंग और फ्लैग अनफर्ल करते हैं। दोस्तों फ्लैग अनफर्लिंग यानी अनफर्ल और फ्लैग हॉइस्टिंग, ये हॉइस्ट और अनफर्ल जो दो वर्ड हैं अगर आप इसका मीनिंग देखोगे लगभग एक ही आता है। फ्लैग को फैलाना, फहराना, खोलना, उड़ाना, ये सब एक ही शब्द जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर फ्लैग हॉइस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग दोनों अलग अलग इवेंट में होते हैं तो वहाँ पे जो ये करने वाला प्रोसेस है ये थोड़ा अलग होता है। जैसे 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम फ्लैग अनफर्ल करते हैं और 15 अगस्त जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है उस समय हम फ्लैग हॉइस्टिंग करते हैं। हॉइस्टिंग यानी जब हम अपना नेशनल फ्लैग है उस पे उसको जो फ्लावर उसमें बंधे रहते हैं, यहाँ नीचे हम बंधे हुए रहते हैं और रस्सी के सहारे उसको उठाया जाता है। जो भी चीफ गेस्ट जो फ्लैग हॉइस्टिंग करने वाले होते हैं उनको रस्सी के सहारे फ्लैग को वो पूरे गुच्छे को उठाना पड़ता है और ऊपर उसको खोल दिया जाता है रस्सी के सहारे। तो ये जो नीचे से जो फ्लैग है उठाकर ऊपर तक ले जाने में एक पुली और रस्सी के सहारे और ऊपर खोला जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम फ्लैग हॉइस्टिंग बोलते हैं। यानी ये इस हिस्ट्रिकल इवेंट जो हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ था इस हिस्ट्रिकल इवेंट को दर्शाता है। यानी हमारा देश जो है पहली बार स्वतंत्र हुआ है ब्रिटिश रूल से। वहीं 26 जनवरी रिपब्लिक डे को अगर हम देखेंगे, हम जानते हैं जो 26 जनवरी 1950 को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। तो उस समय जो पहली बार हमारा जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्योंकि देश उस समय स्वतंत्र हो चुका होता है इसलिए जो है हमारा नेशनल फ्लैग को नीचे बंधे हुए ऊपर से ऊपर ही बंधा हुआ रहता है और उसको वहीं ऊपर ही बिना खींचे खोल लिया जाता है रस्सी के सहारे। तो उसको हम फ्लैग अनफोल्डिंग बोलते हैं, यानी सिर्फ अनफोल्ड किया जाता है वहीं ऊपर ही।
तो ये फर्क है दोस्तों, 26 जनवरी को हम जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, वो उसको जो है खंभे के ऊपर ही उसको बिना उठाए वहीं पे सिर्फ रस्सी के सहारे खोल लेते हैं, यानी वो होता है फ्लैग अनफर्लिंग। तो और वहीं पे इंडिपेंडेंस डे में हम झंडे को नीचे से जो है बांध के रस्सी के सहारे ऊपर उठाते हैं, और जैसे ऊपर वो उठ जाता है वहीं पे उसको फिर रस्सी के सहारे खोला जाता है। तो इस जो डिफरेंस को आप समझिए, तो ये है फर्क। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपने जानकारी ले लिया होगा, और ये बहुत ही अहम जानकारी है। आप चाहे तो आपके कलीग्स, आपके बच्चों को ये इसका जानकारी दीजिए, बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जो तिरंगा होता है हमारी शान होता है, तो इसका जो सम्मान जो है हर हाल में होना चाहिए। इसके बारे में जानकारी लेके इसका हमेशा सम्मान हम करते हैं। तो दोस्तों जो भी है ये इंफॉर्मेशन को प्लीज शेयर करें, ताकि आने वाले जो गणतंत्र दिवस को इसका कोई भी किसी भी तरह का व्यतिक्रम ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।